वीवो 13,000 रुपीस में वीवो T2X 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन को ज्यादातर लोग खरीदेगा इसके डिजाइन के वजह से। जिस तरीके से इसका डिजाइन अच्छा है, सेम उसी तरीके से इस फोन में बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स मिलता है। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लस यूनिक हिडन फीचर्स बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके फोन को आसान तरीके से यूज कर पाओगे। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर पाओगे। उसके लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आ जाना है। थोड़ा ही नीचे यहाँ पे आप लोगों को प्राइवेसी एंड ऐप इंस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। पासवर्ड वगैरह डाल के सबसे पहले वेरीफाई कर लीजिए। ऐप हाइडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आके यहाँ पे जो सारे एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो वो सारे एप्लीकेशन यहाँ से ही हाइड कर देना। देखिए जो एप्लीकेशन को हाइड करोगे ऐप ड्रॉयर में वो एप्लीकेशन दिखा ही नहीं देगा। जैसे कि मैं अमेज़न को हाइड कर देता हूँ, अभी अगर ऐप ड्रॉयर में जाके अमेज़न को दिखाऊं तो आप लोगों को दिखा ही नहीं देगा। फिर से यहाँ पे आके ऐप हाइडिंग के अंदर यहाँ पे देखिए अमेजोन को यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे अमेजोन आ चुका है। सेम इसी तरीके से कोई भी एप्लीकेशन को पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो। सेम प्रोसेस, सेटिंग के अंदर जाना है, सिक्योरिटी के अंदर आना है, यहाँ पे प्राइवेसी एंड ऐप इंस्क्रिप्शन के अंदर आना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को पासवर्ड वगैरह डाल देना है, उसके बाद ऐप इंस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। जिस एप्लीकेशन के ऊपर पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के मदद से लॉक करना चाहते हो वो एप्लीकेशन को यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। मैंने यहाँ पे कैलेंडर को सिलेक्ट करता हूँ और कैलेंडर के ऊपर पासवर्ड वगैरह मैं लगा दिया हूँ। अभी चलो यहाँ पे कैलेंडर जब मैं ओपन करने जाऊंगा यहाँ पे देखिए फिंगरप्रिंट या तो मुझे पासवर्ड मांगेगा। सेम उसी तरीके से कोई भी पिक्चर को भी हाइड कर पाओगे, तो उसके लिए आप लोगों को गैलरी के अंदर आ जाना है, कोई भी पिक्चर के अंदर आना है, थ्री डॉट के अंदर आना है, हाइड के ऊपर टैप कर देना है, फिर से हाइड कर देना है, पिक्चर हाइड हो जाएगा। अभी ये हाइड पिक्चर कहाँ से दिखाई देगा, एल्बम के अंदर आना है, यहाँ पे रिसेंट डिलीटेड का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे कोई भी हाइड का मेनू नहीं है। सेटिंग के अंदर आना है, यहाँ पे हिडन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए जो पिक्चर मैंने हाइड किया था वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आके अनहाइड कर दीजिएगा, वो पिक्चर अनहाइड हो जाएगा। कई बार क्या होता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है और हम लोग यहाँ से क्लियर ऑल कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था जो हमने गायब कर दिए। लेकिन अभी से टेंशन लेने का बात नहीं है, इस फोन में 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा सारे ही नोटिफिकेशन को एक ही जगह में चेक कर पाओगे। तो उसके लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है, नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा इसके अंदर आ जाना है, और नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा इसके अंदर आओगे तो यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा सारे ही नोटिफिकेशन यहाँ से ही चेक कर पाओगे। इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले नहीं दिया है, फिर भी जब नोटिफिकेशन वगैरह आएगा या इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा इस फोन में साइड में एनिमेशन वगैरह शो करेगा। तो उसके लिए आप लोगों को सेम प्रोसेस यहाँ पे सेटिंग के अंदर आ जाना है, डायनामिक इफेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए एम्बिएंट लाइट इफेक्ट का एक ऑप्शन है, नीचे में इनकमिंग कॉल और यहाँ पे लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल के अंदर आ जाना है। जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा ना इस तरीके से देखिए कुछ लाइट वगैरह ब्लिंक करना शुरू करेगा, तो आप जो लाइट यहाँ पे चूज करोगे वही लाइट यहाँ पे ब्लिंक करेगा। सिर्फ इनकमिंग कॉल के लिए नहीं, यहाँ पे देखिए लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन लाइट इफेक्ट दिया गया है, कोई भी इफेक्ट शुरू हो जाता है, तो आपके हिसाब से ये सारे इफेक्ट को यूज कर पाओगे। इस फोन में एस कैप्चर देखने को मिलता है, नोटिफिकेशन ड्रॉयर में एस कैप्चर देखने को मिलता है। इस कैप्चर में टैप करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन खुल के आता है, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्ड, यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीन शॉट, रेक्टेंगुलर स्क्रीन शॉट, फनी स्क्रीन शॉट, कोई भी स्क्रीन शॉट ले सकते हो। मैं फनी स्क्रीन शॉट के ऊपर टैप करके नीचे में कोई भी शेप को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे एक ड्रॉ कर दूंगा। देखिए जिस चीज को आप ड्रॉ करोगे वही चीज यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे शेप करोगे उतना ही स्क्रीन शॉट खुल के आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, थ्री फिंगर से आप स्क्रीन शॉट तो ले पाओगे, नीचे में लॉन्ग स्क्रीन शॉट के ऊपर टैप करके आप लॉन्ग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, जितना तक चाहिए उतना तक स्क्रॉल करके सेव कर देना, उतना ही लॉन्ग स्क्रीन शॉट खुल के आ जाएगा। होम स्क्रीन में ऊपर से स्वाइप करने के बाद यहाँ पे ग्लोबल सर्च खुल के आता है, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर पाओगे, चाहे वो ऐप के बारे में, मैसेजेस के बारे में, सेटिंग के बारे में, कुछ भी सर्च कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग चाहता है स्वाइप करने के बाद नोटिफिकेशन ड्रॉयर आए, वो भी पॉसिबल है। उसके लिए होम स्क्रीन में दो फिंगर से पिंच कीजिए, होम सेटिंग के अंदर आइए, यहाँ पे दिखाई देगा आप लोगों को स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पे आप लोग नोटिफिकेशन सेंटर के ऊपर टैप कर दीजिए। एक बार स्वाइप करने से यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर ही खुल के आएगा। इस फोन में हाई रिफ्रेश रेट नहीं दिया है, लेकिन डार्क मोड है जो कि बढ़िया मिलता है, तो आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है, यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आना है, डार्क थीम और आई प्रोटेक्शन को इनेबल कर देना है। डार्क थीम को इनेबल करोगे टोटल डार्क हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पे आई प्रोटेक्शन को इनेबल करोगे टोटल जो डिस्प्ले का कलर है वो चेंज हो जाता है। इसको आप लोग रातों में यूज ज्यादा करना, आपके आंखों को तकलीफ नहीं पहुंचेगा। और डार्क मोड और आई प्रोटेक्शन को शेड्यूल में भी लगा सकते हो, कितने टाइम से
कितने टाइम तक आप लोगों को AI प्रोटेक्शन वगैरह चाहिए। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो ना, यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मीटर वगैरह शो नहीं करता है, तो उसको इनेबल करने के लिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आना है। स्टेटस बार का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज और डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड दोनों ही फीचर्स को इनेबल कर देना है। ऊपर में बैटरी परसेंटेज और इंटरनेट स्पीड मीटर शो करने लगेगा। देखिए, जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो ना, ये जो फ्रंट का स्टाइल है थोड़ा छोटा छोटा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा चाहता है कि बड़ा हो जाए, देखने में आसान हो, तो उन लोगों के लिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर यहाँ पे फ्रंट एंड डिस्प्ले साइज का ऑप्शन दिखाई देगा। ये जो फ्रंट साइज है ये इस तरीके से छोटा रहता है, आप लोगों को इस तरीके से बड़ा कर देना है। जितना बड़ा करोगे उतना ही बड़ा बड़ा यहाँ पे दिखाई देगा। इस फोन में कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का ऑप्शन भी मिलता है, डायलर के अंदर आ जाना है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, नीचे में यहाँ पे कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, नेवर है, आप ऑलवेज कर देना। देखिए, जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा ना, अगर वो नंबर आपके मोबाइल में सेव है, जिस नेम में सेव है, रिंगटोन के हिसाब से वो नेम दोहराएगा ये फोन। बहुत सारे लोग इसको इनेबल करके रखता है। उसके ठीक नीचे फ्लिप टू साइलेंस का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है, फोन को इस तरीके से पलट दीजिए, जो कॉल है वो साइलेंट हो जाएगा। होम स्क्रीन में इस साइड से स्वाइप करोगे, एक बल्ब खुल के आएगा, इसके ऊपर टैप करने से देखिए ऊपर में बहुत सारे शॉर्टकट है, नीचे में बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा, यहाँ से ही आप लोग कंट्रोल कर पाओगे। देखिए, बाय डिफॉल्ट ये बंद रहता है, इसको इनेबल करने के लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है। शॉर्टकट एंड असेंबिलिटी के अंदर इजी टच का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करोगे तो बॉल खुल के आएगा, यहाँ पे टैप करने से ओपन मेनू होता है, आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो। और जो पर्सनलाइज्ड स्किन है इसको भी आप चेंज कर पाओगे, यहाँ पे कोई भी स्किन को अप्लाई कर दीजिएगा। अभी देखिए स्वाइप करने के बाद यहाँ पे एस्ट्रोनॉट जैसा एक सिंबल आ रहा है, तो इस तरीके से आप कुछ सिलेक्ट भी कर सकते हो, जो कि एक कूल लुक देता है। शॉर्टकट एंड असेंबिलिटी के अंदर और भी बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स है, तो चलिए एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे स्प्लिट स्किन का ऑप्शन दिखाई देगा, बेसिकली एक ही स्किन में दो एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। मान लीजिए मैं क्रोम को यूज कर रहा हूँ, मैं ना यहाँ पे रिसेंट मेनू में जाने के बाद एप्लीकेशन के ऊपर टैप करके स्प्लिट स्किन के ऊपर टैप कर दूंगा, अभी दो एप्लीकेशन को एक साथ यूज कर पाऊंगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे क्रोम, नीचे की तरफ यूट्यूब। तो इस तरीके से दो एप्लीकेशन एक ही स्किन में बहुत आसानी से आप लोग यूज कर सकते हो। इतना ही नहीं, स्मार्ट मोशन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, स्मार्ट स्किन ऑन ऑफ का ऑप्शन भी दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए डबल टैप टू वाइक और डबल टैप टू टर्न ऑफ स्किन, बेसिकली होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्किन का जो लाइट है बंद हो जाएगा, फिर से डबल टैप करने से स्किन का जो लाइट है वाइक अप हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये दो फीचर्स डिसेबल रहता है, आप लोगों को इनेबल करना पड़ेगा। रेस टू वाइक का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, इसको इनेबल कर देना। फोन ऐसा पड़ा है, अगर उठाते हो स्किन का जो लाइट है ऑटोमेटिकली वाइक अप हो जाएगा। यहाँ पे स्मार्ट वाइक का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। देखिए, लॉक स्क्रीन में बहुत कुछ करने से बहुत सारे ऑप्शन खुल के आता है, जैसे कि एप लिखोगे फेसबुक ओपन हो जाएगा, एप लिखोगे म्यूजिक ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ई करने से बहुत सारे एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर पाओगे। मैं ना यहाँ पे मैं कैलकुलेटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं लॉक स्क्रीन में ना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे ई ड्रॉ करके। देखिए, ई ड्रॉ हो चुका है, पासवर्ड डालने के बाद ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, तो इस तरीके से शॉर्टकट को भी यूज कर पाओगे। स्मार्ट कॉलिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। देखिए, स्मार्ट म्यूट तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था, यहाँ पे स्मार्ट आंसर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। बेसिकली कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है, फोन ऐसा पड़ा है, उठा के कान के पास लेकर आ जाइए, ऑटोमेटिकली जो कॉल है वो रिसीव हो जाएगा। सेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको इनेबल करने के बाद लॉक स्क्रीन में इस तरीके से सेक करोगे, बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगा। क्विक एक्शन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको इनेबल करके रखना। देखिए, वॉल्यूम डाउन बटन को लॉक स्क्रीन में प्रेस एंड होल्ड करके रखने से ये सारे ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ना यहाँ पे ओपन फेसबुक को करता हूँ, और लॉक स्क्रीन में टैप करके होल्ड करके रखता हूँ वॉल्यूम डाउन बटन को। अभी मैं लॉक स्क्रीन में पासवर्ड डालूंगा, देखिए फेसबुक ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट को भी आप यूज कर सकते हो। इस फोन में वन हैंड मोड का फीचर्स भी दिया गया है, फिर से शॉर्टकट एंड असेंबिलिटी के अंदर वन हैंड मोड का ऑप्शन दिखाई देगा। इस तरीके से आप लोग करोगे तो वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा, और अगर आप एक हाथों से फोन को ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो ये आपके काम बहुत आएगा। मैं यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को जेस्चर्स पसंद है, तो आप भी जेस्चर्स को इनेबल कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर, सिस्टम के अंदर, सिस्टम नेविगेशन के अंदर थ्री बटन नेविगेशन दिखाई देगा, यहाँ पे जेस्चर्स को इनेबल कर दीजिए। देखिए, जो थ्री बटन नेविगेशन है वो गायब हो जाएगा, यहाँ पे जेस्चर्स इनेबल हो जाएगा, और ज्यादातर लोग जेस्चर्स को बहुत ज्यादा पसंद करता है। इस फोन में कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। सेटिंग के अंदर यहाँ पे आप लोगों को आना पड़ेगा एप्स के अंदर, और यहाँ पे दिखाई देगा नीचे की तरफ ऐप क्लोन। यहाँ पे आके जो सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन रहेगा वो सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। इस फोन में आप 6GB रैम बढ़ा सकते हो। देखिए, मेरे पास 6GB का रैम है, आप और भी 6GB बढ़ा सकते हो। तो रैम एंड स्टोरेज के अंदर आके यहाँ पे रैम के अंदर आके यहाँ पे एक्सटेंडेड रैम कर देना, 6GB रैम एक्सटेंड हो जाएगा।
यहाँ पे जब आप लोग इनेबल करोगे रिस्टार्ट नाउ मांगेगा, तो एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो 12GB रैम है वो इनेबल हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है वीवो के फोन में प्राइवेसी का इशू है, तो प्राइवेसी के अंदर आना है, परमिशन मैनेजर के अंदर आना है, यहाँ पे देखना है कौन सा फीचर किस चीज के लिए परमिशन ले रहा है। जैसे कि कॉन्टैक्ट 16 एप्लीकेशन परमिशन ले रहा है, यहाँ पे देखिए गूगल पे, यहाँ पे गूगल मैसेज, फोटो, यहाँ पे सिंपल व्यू। अगर आप लोगों को लगता है ये यूट्यूब कॉन्टैक्ट का परमिशन क्यों ले रहा है, तो यूट्यूब के अंदर आके यहाँ पे डोंट अलाउ कर देना, डोंट अलाउ एनीवे कर देना। यूट्यूब कभी भी कॉन्टैक्ट का परमिशन नहीं लेगा जब तक आप नहीं दोगे। इस फोन में बढ़िया एक ऐप पिनिंग मिलता है, तो सबसे पहले सेटिंग के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर, ऐप पिनिंग के अंदर जाके इसको इनेबल कर देना। अभी देखिए ऐप पिनिंग का काम क्या है। मान लो यूट्यूब में आप मूवी वगैरह या वीडियो वगैरह देख रहे हो, कई बार क्या होता है एक्सीडेंटली टच के वजह से बहुत सारे अलग फीचर्स में आप या अलग फंक्शन में चले जाते हो, लेकिन यूट्यूब के अंदर आके, थ्री डॉट के अंदर आके यहाँ पे ऐप पिन कर दीजिएगा। देखिए आप लोग नहीं, यूट्यूब से बाहर नहीं जा पाओगे। देखिए यहाँ पे नहीं तो नोटिफिकेशन रह रहेगा, नहीं तो यहाँ पे होम बटन में प्रेस होगा। तो इसको बाहर निकालने के लिए बैक बटन और मेनू बटन को एक साथ टैप करके होल्ड करके रखिए, लॉक स्क्रीन आएगा, पासवर्ड डालिए और ये ऑन हाइट हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करता है, तो उन लोगों के लिए एक कमाल का फीचर है। कैमरा के अंदर भी बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स मिलता है। तो फोटोज के अंदर जाने के बाद यहाँ पे पिक्चर वगैरह तो खींच पाओगे वो अलग बात है, लेकिन सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखिए वाटरमार्क इनेबल कर पाओगे, यहाँ पे डेट, टाइम, यहाँ पे करंट लोकेशन सब कुछ इनेबल कर पाओगे। मैं सब कुछ को इनेबल करके ना मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ और मैं आप लोगों को एक पिक्चर क्लिक करके बताता हूँ। देखिए एक पिक्चर मैंने क्लिक किया हूँ, नीचे की तरफ देखोगे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि Vivo T2X, यहाँ पे वाटरमार्क मतलब कस्टम नाम मैंने जो लिखा था, लोकेशन किस डेट में या कौन से टाइम में खींचा था, सब कुछ दिया गया है। अगर आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो ज्यादा, तो यहाँ पे फुल HD 60fps का ऑप्शन है। सेम इसी तरीके से मोर के अंदर आने के बाद यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड लेंस दिया है, जहाँ से आप लोग 50 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड पिक्चर खींच सकते हो। इस फोन में एक्स्ट्रा डिम का फीचर्स है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो हाइड रहता है। उसको इनेबल करने के लिए नोटिफिकेशन ड्रॉयर में आना है, पेंसिल के ऊपर टैप करना है, नीचे में एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप करके ऊपर की तरफ लेकर आ जाना है। अभी एक्स्ट्रा डिम के ऊपर टैप करने से ब्राइटनेस थोड़ा सा लो हो जाता है। मान लो कई बार हम लोग रातों में फोन को इस्तेमाल करते रहते हैं और ब्राइटनेस लो करने के बाद भी फिर भी लगता है और भी थोड़ा सा लो होता तो मजा आ जाता, तो यहाँ पे लो कर दीजिए, उसके बाद एक्स्ट्रा डिम कर दीजिए और भी ब्राइटनेस लो हो जाएगा। इस फोन में फोकस मोड देखने को मिलता है, वो भी हाइट सिचुएशन में रहता है। पेंसिल के ऊपर टैप करके फोकस मोड को यहाँ पे अनहाइट करना है, टैप करके ऊपर की तरफ लेकर आइए, फोकस मोड अनहाइट हो जाएगा। अभी आप लोग फोकस मोड के अंदर चलिए और यहाँ पे देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन खोल के आ जाएगा, कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं क्रोम को सिलेक्ट करता हूँ और टर्न ऑन कर देता हूँ। जब भी कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस मोड को इनेबल करोगे वो एप्लीकेशन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, नहीं तो इस एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे और नहीं तो इस एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, जब तक आप लोग नोटिफिकेशन ड्रायर में जाके फोकस मोड को डिसेबल नहीं करते हो। ये था Vivo T2X 5G का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स। अगर आप लोगों को ये फीचर्स अच्छा लगा हो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।